नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल। ये नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या हुई 5,194। ताली थाली से काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन। कोरोना लॉकडाउन, मौतों पर देश को जगाते रोड स्कॉलर्स। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार सुबह तक कोविड 19 के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 149 हो गई थी। संक्रमित लोगों की संख्या 5,194 पर पहुंच गई है। सुबह 9 बजे तक आए मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार से 25 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 16 लोगों की मौत महाराष्ट्र में तथा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में दो दो व्यक्तियों की मौत हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई है। कोरोना वायरस से सर्वाधिक 64 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। गुजरात और मध्य प्रदेश में 13-13 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में 9 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु में 7-7 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 5, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 4-4 लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में 3-3, जम्मू कश्मीर और केरल में 2-2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा में 1-1 व्यक्तियों की जान गई है। कोविड 19 के सर्वाधिक 1,018 मामले महाराष्ट्र में हैं, 690 तमिलनाडु और दिल्ली में 576। कोविड 19 के बढ़ते खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने महामारी से निपटने के लिए विभिन्न कामों में जुटे अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों की जगह लेने के लिए एक बड़े बल के गठन का फैसला किया है। इस बल को सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण देगी। कोविड के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रबीरपुर का स्थल। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 की जो महामारी दुनिया में फैल रही है उसका दुनिया पे क्या असर पड़ा है और हिंदुस्तान में इसका क्या स्थिति है। तो पहले हम इसको इस पे देखेंगे कि किस तरह से दूसरे देशों में और हमारे देश में किस तरह से ये कोविड-19 पैंडेमिक फैल रही है। आइए देखते हैं कि आपके जो चार्ट्स हमारे जो चार्ट बनाने वाले हैं, जो डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उन्होंने जो बनाया है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। ये है चार्ट जो दिखाता है कि 100 दिन के बाद, नहीं, 100 लोग जब इसके शिकार हुए हैं उसको अगर हम जीरो डेट माने उस देश के लिए, मतलब पहला कोविड-19 के 100 पेशेंट्स जिस दिन में है उसको हम शुरुआती दिन अगर माने, तो हर देश जो इस चार्ट में है वो हम देखेंगे कैसे इसके बाद उसकी नंबर्स में बढ़ोतरी हुई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम किन देशों से पीछे हैं और किन देशों के आगे हैं। इस वक्त अगर हम देखें तो इटली, क्योंकि चीन बहुत पहले इस दौर से गुजर चुका है, हम चीन को इस चार्ट में नहीं लाए, अगर इस चार्ट को देखें तो इटली इसमें सबसे आगे है और दूसरे सब देश इटली के पीछे है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको लॉग चार्ट बोलते हैं, कि जो इसकी वाई एक्सिस है, जो ये एक्सिस है, ये लॉग चार्ट का मतलब 1,000, 10,000, 1,00,000 इस तरह से इसकी नंबर्स यहाँ पर आप देखेंगे। तो इससे हम देख पाएंगे बड़े मात्रा में लोगों की जो बीमारी हुई है उसका एक हमको अच्छी तरह से देखने को मौका मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसपे हम डॉटेड लाइंस भी बनाए हैं, जो डॉटेड लाइंस इंडिकेट करता डबलिंग कितनी तेजी से हो रहा है। तो डबलिंग रेट क्या है? डबलिंग रेट यह है कि अगर 100 लोग बीमार है तो 200 में कब पहुंचते हैं, 400 में कब पहुंचते हैं, 800 में कब पहुंचते हैं, इसको डबलिंग रेट कह रहे हैं, क्योंकि बीमार लोग किस रफ्तार से डबल हो रहे हैं इसको अगर हम देखें तो किस रफ्तार से यह कोविड-19 फैल रही है उस देश में उसका एक अंदाजा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर देखेंगे डबलिंग रेट मुल्क देशों को शायद पहला जब हम पकड़ते हैं तब ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारी पहले जो नंबर्स है वो कुछ हद तक पुराने नंबर्स भी होते हैं। टेस्टिंग से हमको पता चलता है कि ये लोग पहले बीमार थे पर बाद में हमें पता चला। तो इसीलिए अब देखेंगे इस दौर में
थोड़ा ज्यादा रफ्तार से होता है, इसके बाद एक स्टेडी रेट पे वो बढ़ता है, इसके बाद जब लॉकडाउन होता है, दूसरी कार्रवाई होती है, तो कर्व फ्लैटन होने लगता है। देखिए इटली, जिसको हमने कहा कि सबसे पहले था, अब देखेंगे पहले तेजी से बढ़ा, इसके बाद ये ऑरेंज लाइन है, देखेंगे फ्लैट होना शुरू हो गया। अब जो है वो पहले जैसे तीन दिन से भी आगे थे, ढाई दिन में डबल कर रहे थे, इसके बाद 3 दिन में आए, इसके बाद 4 दिन में आए, अब 5वां दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, कि मतलब एक हिसाब से उन्होंने इस महामारी पे काबू पा लिया है। अगर अमेरिका को देखें, जो इस वक्त बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस पे भी देखेंगे पहले से रफ्तार कुछ धीमी हुई है, मतलब वो फ्लैटनिंग की तरह है, पहले 2.5 दिन में वो डबल कर रहे थे, अब करीब 3 दिन में ये डबल कर रहे हैं। अगर ईरान को देखेंगे, आप देखेंगे वो 4 दिन से भी नीचे आ गया है, 5 दिन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उन्होंने एक हद तक अपनी जो महामारी है उस पर काबू पा ली है। अगर यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे, देखेंगे अभी भी काफी रफ्तार से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान और मलेशिया दो देशों को हमने इसीलिए कंपेयर किया कि मलेशिया पहले इटली से करीब 13 दिन पीछे थे, जब हमने इस आंकड़ों को एक साथ लाने की कोशिश की, उस वक्त हिंदुस्तान भारतवर्ष उस मलेशिया के काफी नीचे था। इस वक्त अगर देखें तो मलेशिया काफी हद तक अपने इस महामारी पर काबू पा लिया है, वो अभी 4 दिन से लेकर 5 दिन में पहुंचे और अभी जो है वो 5 दिन के भी नीचे आ रहे हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को अगर देखें, भारतवर्ष को अगर देखें, देखें कि हमारा डबलिंग रेट अभी भी 4 दिन के लगभग है और यही पिछले 10-15 दिन से था, और इस वक्त हम मलेशिया के पीछे होने के बावजूद नंबर ऑफ डेज में, हम नंबर ऑफ पेशेंट्स में हम मलेशिया से आगे बढ़ चुके हैं। कोरोना वायरस से पार पाना इस समय देश के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों के पास जरूरी बचाव के उपकरण ना होना उससे भी बड़ी गंभीर समस्या है, जिसे शायद हम अनदेखा भी कर रहे हैं। यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि WHO ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के अधिकारों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के मानकीकरण के लिए एक अंतरिम मार्गदर्शन जारी किया है, लेकिन भारत सरकार उसके लिए अभी तक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल ही तैयार नहीं कर पाई। हमारी तीसरी खबर है भाषा के स्पेशल शो पर। हमसे है जमाना के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह बात कर रही हैं उन अनूठे प्रयोग करने वाले रोड स्कॉलर्स की, जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से मारे गए नागरिकों का प्रामाणिक ब्यौरा ही नहीं देते हैं, बल्कि असल भारत के संकटों को भी उजागर करते हैं। आइए सुनते हैं भाषा सिंह को। आपको याद होगा जब जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था, 22 तारीख को जिस दिन अनाउंस हुआ था, उस दिन हम इसी जगह खड़े थे लेडी हार्डिंग के सामने, और आज की तारीख में देखिए, आज 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को भी उसी तरह से अफरा तफरी है, उसी तरह से खाने को लेकर मार है, और रोड स्कॉलर्स बिल्कुल यही आंकड़ा हमारे सामने बता रहे हैं कि जो 103 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, उनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उनका दुख क्या है। इसमें हमने बात की रोड स्कॉलर से जुड़े हुए रितिका खेड़ा से। लॉकडाउन की जो घोषणा हुई है वो हमारे जैसे लोगों के लिए काफी मतलब ठीक है, क्योंकि हमारे पास तनख्वाहें हैं तो आर्थिक हमें मुश्किल नहीं होगी, और दूसरा हमारे घरों में जगह है, पानी है, तो हम बार बार हाथ भी धो सकते हैं साबुन से। लेकिन हमारे जैसे लोग देश का केवल 30% के आसपास हैं, 70% ऐसे लोग हैं जिनके लिए जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, लगभग आधे लोग स्वरोजगार में हैं, जिसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे, रेड़ी वाला भी है, मोची भी है, साइकिल ठीक करने वाला भी है, ऑटो चलाने वाले हैं, ये लोग रोज काम करेंगे तभी शाम को खा पाएंगे, और दूसरा एक तिहाई काम करने वालों में दिहाड़ी मजदूर हैं, तो उनके लिए भी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक आपत्ति एक खड़ी हो गई है, और इसी वजह से ये लोग तुरंत जब लॉकडाउन की बात हुई तो अपने गांव की तरफ निकल गए।
इसके चलते ये जो घर जाने की प्रक्रिया है या काम न मिलने की वजह से जो आर्थिक लॉकडाउन है उसकी वजह से हम लोग लोग जो मर रहे हैं उस पे नज़र रख रहे हैं और हमारे डेटाबेस में बहुत सारी ऐसे मौतें हैं 20 से ऊपर जो भूख या थकान की वजह से मर गए, रास्ते में चलते चलते थक गए और गांव पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। इसके अलावा 15 कैसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली जो अल्कोहलिक्स थे और विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से आत्महत्या कर ली। कुछ ऐसी आत्महत्याएं हैं क्योंकि उनका सामान नहीं बिका, वो लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा 10 मौतें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में सड़क बंद थी, हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुंच सके या इलाज नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से और वो लोग मर गए। तो आज अगर देखें तो लॉकडाउन की वजह से 40 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और आगे चल के कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। इस वजह से सरकार को कुछ रिलीफ और देने की भी ज़रूरत है। इस समय इन जो स्कॉलर्स ने आंकड़े जुटाए हैं उसके हिसाब से 103 से अधिक भारतीय नागरिक मौत का शिकार हो चुके हैं। इनके आंकड़े हम आपको आगे बताएंगे कि इसका जो विवरण है वो किस तरह से जुटाया गया। झारखंड के लाखों मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, और ज़्यादा बहुतों को पर्याप्त राशन और भोजन की उपलब्धता नहीं है, पैसे तो बिल्कुल नहीं है, और जहां काम कर रहे थे वहां से भी उनको इस दौरान जो लॉकडाउन के पीरियड के लिए उनको अभी तक किसी प्रकार का की मजदूरी भुगतान उनको नहीं की गई है। तो ऐसे हम लोग के पास यहां झारखंड में हम लोग ने भोजन का अधिकार अभियान और झारखंड जन अधिकार महासभा के माध्यम से ये कोशिश शुरू की कि ऐसी सूचनाएं जो भी आ रही है कि कहीं मजदूर फंसे हुए हैं उनको तुरंत राहत की आवश्यकता है, तो इसको थोड़ा पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मजदूरों से बात करते हैं कि क्या वर्तमान परिस्थिति है, क्या उपलब्धता है राशन खाने की, अभी तक कोई राहत पहुंची है कि नहीं, और फिर ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद उनसे ये भी पूछते हैं कि अगर वो वीडियो या फोटो कुछ भेज सके। इसके बाद इसके आधार पर हम लोग इसको ट्विटर पर डालते हैं और दोनों राज्य सरकारों को, संबंधित राज्य सरकारों को टैग करते हैं, विधायकों को टैग करते हैं और वहाँ के पत्रकार साथियों को या जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन लोग को टैग करते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान आ सके। तो और दूसरी तरफ ये भी कोशिश करते हैं कि उन राज्यों में जो साथी संगठन राहत को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राहत के काम में लगे हुए हैं, उन तक ये सूचना पहुँच सके। इन दोनों माध्यमों से जब कोऑर्डिनेट करते हैं, ट्विटर पर भी कई लोग मदद करने के लिए सामने आते हैं, कभी कभी हालांकि कम में, लेकिन कभी कभी सरकार, राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार भी रेस्पॉन्ड करती है, और फिर शायद धीरे धीरे एक दो दिन में उन तक राहत पहुँच पाती है। तो ये एक थोड़ी कोशिश है जिसमें हम लोग यहाँ लगभग 6-7 साथी लगे हुए हैं ये कोऑर्डिनेशन के काम में, और लेकिन जो मूलतः बात है कि ये जिम्मेवारी जो है ये संबंधित राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की है कि हर जगह मजदूरों को पर्याप्त खाना मिले और उनको इस दौरान के लिए उनको मजदूरी मिले, लेकिन ये दोनों सुनिश्चित नहीं किया गया है अभी तक। और ये कुछ लोग जैसे हमारे जैसे यहाँ पे और भी कई साथी इधर उधर ये कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से कुछ हो सके, लेकिन फिर भी जिस पैमाने पर मजदूर फंसे हुए हैं और जिनको जितनी राहत की आवश्यकता है वो बिल्कुल सरकारों द्वारा नहीं की जा रही है। देख ले जी सरकार, हम लोग का हालात कैसा है, सब हम लोग लड़का लोग सब इतना उदास में हैं। हम लोग बेंगलोर आके 2 हफ्ता हो रहा है, 2 हफ्ता काम करके, 2 हफ्ता काम करके पूरा अचानक में ट्रेन बंद हो गया और दुकान, राशन दुकान जाने के लिए दस सब दुकान बंद हो गया। ग्राम लक्कीपुर, थाना राजमहल, जिला साहेबगंज, राज्य झारखंड। हम लैट्रीन के काम के लिए आए थे सर, उड़ीसा में, राहुल किला में, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आके हम 2 महीने से काम कर रहा था। एक हज़ार थक गया 15 दिन पहले और कोरोना के कारण हम नहीं जा सकते, 15 दिन से हमको खाना भी नहीं मिल रहा, हम कैसे क्या करें सर। हमको, हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा है, मेरा माँ बीमार है, फंसे हुए हैं,
हम लोग किराया रूम में रहते हैं, हम लोग खाने का पैसा भी नहीं है, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।